अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे से YouTube की फैमिली का। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी शुक्र अल्लाह पाक का कि हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जुमा मुबारक मेरे सब को प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जुमा मुबारक। और जी आज बस अब नमाज वगैरह पढ़ के तो लगे हैं जी काम पे। ये वैसे काम तो हमेशा हुरैन का होता है, लेकिन आज हुरैन तो मैंने बोला ही नहीं है। खैर बेचारी वो तैयार बैठी हुई है, मशीन का उसका काम भी कर रही है और रेडी हुई हुई है। तो मैंने कहा कि चले बहुत ज़्यादा सिलेंडर गंदा हो रहा है, बात सुनते हैं। गंदा हो रहा है ना, ये सिलेंडर बहुत गंदा हो रहा है, सब ऐसे भरवा के लेके आ गए। कई दफ़ा चाय वगैरह गिर जाती है, तो इसलिए कहाँ जा रहे हो? तो जी हम ये सबसे पहले सिलेंडर साफ करते हैं। यहाँ बैठ जाओ, सामने आ गए हो कैमरे के, हैं बैठ के करो ना, बैठ के करो, बैठ के करो, ऐसे घुमा के करो मेरा बेटा। तो जी जब तक मैं सिलेंडर साफ करती हूँ, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जाएं जाके मेरी वीडियो को वाच करें। वाच तो आप कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं जाके वो लाइक कर दें और अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि अपनी घर की तो फैमिली की कोई दुनिया की बात भी शेयर किया करें और कोई कंटेंट भी मुझे बताया करें, कोई चीज़ आप मुझे गाइड भी किया करें और शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को। गीला, हाँ जी मैंने गीला किया हुआ है ना। आप कैमरे के आगे आ रहे हो, तो सही बन रही है वीडियो। सारा करो, चलो जी बस ऐसे कर दो। क्या कर रही हो बेटा, क्या बना रहे हो? शेस हाउस बना रहे हो? भाभी वाह, बन गया। सुबह को बनाया था, ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा बनाओगे? हाँ। जी बोलते, चलो उठो, चलो जैसे देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कह रहा। चलो उठो बेटा, छोड़ो बेटा, देर हो गई है, अब मैं आपको ना नहा दूं। हाँ जी बन गया, चलो नहा के तैयार होके, तैयार होके बैठ जाओ तो फिर ट्यूशन के लिए। चलो बैग तैयार है ना आपका, चलो मेरा बेटा चप्पल पहनो। हाँ जी पॉकेट है, उठो ना, देर कर रहे हो, जल्दी आओ। पैसे रखते हो इधर, पैसे रखते हो? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हुरैन भी रेडी होके बैठी हुई है ट्यूशन जाने के लिए। कितनी देर रह गई है हुरैन टाइम? वो लोग उनके घर जाना है या वो आएंगे इधर? वो आएंगे। चलो बेटा निकलो निकलो निकलो, जल्दी करो, देर हो गई है, बस अब हरकतें नहीं करो। मैं नहाऊं, बेल हो गई, हुरैन आ गए वो लोग, बेल हो। हाँ ये ले जाओ भाई को, मैंने 10 दफा कहा है ये रैपर ले नहीं फेंक रहा डस्टबिन में, मेरा बेटा उठे और चलो 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 मैं नहाऊं। खेर ये खाना नहीं है, डस्टबिन में फेंको। जी तो हम आज बनाने लगे हैं चाइनीज राइस, पहली बार बना रही हूँ मैं, बहुत ही टाइम हो गया शायद जिंदगी में, मैंने एक दफ़ा शादी के बाद बनाए थे, मुझे याद भी नहीं है, इतना याद है कि बनाए थे, कैसे बने थे कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता। आज बना रही हूँ चाइनीज राइस। चावल मैंने ये देखे भिगो के रख दिए, मेरे पास सेला चावल नहीं है, आम जो घर के नॉर्मल चावल होते हैं ना, नॉर्मल वाले वो ही हैं। देखिए कैसे बनते हैं, इधर मैंने पानी गर्म करने को रख दिया चावलों के लिए, ये मैंने बीच में कुछ थोड़ा नमक डाला हुआ है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी ताकि ये जुड़े ना
और इसको गर्म होने देंगे। जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तेज़ गर्म पानी के सिवा पान नहीं डालते। यहाँ मैंने चिकन रखा हुआ है बॉयल करने को, क्योंकि हमारे जो नज़दीकी शॉप है चिकन की, वहाँ से हम सब लेके आए हैं। वहाँ पे बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस नहीं मिलता, तो मैंने ना ये हाफ के जी मंगवा लिया है बोन्स वाले। तो इसको मैं हल्का सा नमक डाल के मैंने बॉयल करने को रख दिया है। तो फिर मैं इसको ना मोटा मोटा ना श्रेड कर लूँगी। ये देखें जी क्या इनकी पैकिंग है, अभी मैंने खोली नहीं है। मैंने कहा आप लोगों से दिखाऊं कि मैंने अभी भी मंगवाई हैं। पहले मेरे पास थी वो छोटी उनकी बोटल्स थी, वो ख़त्म हो गई, तो अब ये मैंने मंगवाई हैं सबसे बड़ी हैं। अभी मैं इनको ओपन करती हूँ। ये अंडे हैं, इसको भी निकालती हूँ। वेजिटेबल भी मैंने मंगवाई है। कौन सी मंगवाई है, गाजरें भी थी घर में, इमरान लेके आए थे, और मटर भी। इसलिए तो मैं पकाने लगी हूँ चाइनीज राइस, वरना मैंने बनाने नहीं थे। वेजिटेबल्स थी सॉरी। और सिर्फ मैंने मंगवाई है बंद गोभी और शिमला मिर्च। और ये दूध आया है, क्यों आज कम आया है, क्यों छोटी बोतल आई है, अल्लाह जाने क्यों दूध आज कम आया है गोट से हमारे। छह अंडे मैं ले रही हूँ, क्योंकि चावल तकरीबन मेरे ख्याल में किलो होंगे ही, घर के हैं, इसलिए मैंने वो बाजार से तो नहीं लिए, पता नहीं कितने होंगे, अंदाजन 1 किलो होंगे। तो मैंने ना फिर अंडे इसलिए ज्यादा डाल रही हूँ, पहले बार बना रही हूँ, क्या पता ज़्यादा लगे या सही लगे। पहले अंडों को फ्राई करते हैं जल्दी से, फिर जी हम करते हैं इसमें ना थोड़ा सा डालेंगे हम जर्दे वाला कलर, येलो तो नहीं है, थोड़ा सा ये कलर डालेंगे। इससे क्या हुआ, दो दफा में डालेंगे। जर्दा रंग डाला है, पहले थोड़ा जर्दा रंग कम किया था, फिर मैंने ना एक चुटकी जर्दा रंग को ना पानी में डाल के लिक्विड करके फिर डाला, तो फिर अंडे का कलर सही बना। अब इसको ना कर लेंगे, तोड़ लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू लहसुन की आने लग गई है। अब इसमें डाल देंगे गाजरें डाल देंगे, और डालेंगे मटर का जो मैंने उस दिन बिछा के रखे थे ना थोड़े से मटर। शुक्र है लाइट आ गई हमारी, आई थी झटका दे के चली गई। अब मटर भी डाल देंगे। इन सब्जियों का ना मैंने ढक्कन दे के नहीं हमने फ्राई करना, बस थोड़ा सा ऐसे ढक्कन के बिना ही इसको थोड़ा सा ना फ्राई करना है कि इनका क्रंच भी रहे, बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं कर लेना। देखें आज मैं भी पहली बार बना रही हूँ, मैं कोई शेफ तो हूँ नहीं, ना ही मेरा फूड चैनल है। बहरहाल आज हमारा दिल किया तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, देखें आपको सच सच इनका रिव्यू दूँगी कि कैसे बने कैसे नहीं बने। और थोड़ी सॉफ्ट हो गई ये चीज़ें, अब मैं डाल दूँगी इसमें शिमला मिर्च। और जो मटर कर रहे हैं, मटर फ्रीज है ना, और बंद गोभी, नमक डाल देंगे जितना इसमें हल्का होता है। ये चाइनीज राइस है, आपको पता है कि उसमें मसाले होते ही नहीं हैं, इनमें हल्के हल्के से मसाले होते हैं बस, और कुछ भी नहीं। इसमें नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून जाएगी काली मिर्च। हमारे थोड़े ज़्यादा राइस हैं तो मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। सैलड बन गया, सैलड बन गया, बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत यम्मी है। अब मैं इसमें सॉसेस डालती हूँ।
दो टेबलस्पून भर के डाल दिया मैंने सोया सॉस और दो टेबल भर के रेड चिली और सिरका। मैं कहती हूँ कम ही डालूँ, रैन तुम्हारे बाबा के तबियत ये ख़राब है ना, नहीं डेढ़ चम्मच डालती हूँ बस, डेढ़ डालें, ज़्यादा नहीं मैंने डाला। इसको हल्के से हम करेंगे मिक्स, अंडे भी इसमें डाल देंगे ताकि जो सॉसेस वगैरह हमने डाली है ना वो सारी इसमें चली जाएं और ये ऑयल भी इसका निकाल लेते हैं अच्छे से हम लोग, ठीक है। अब इसमें चिकन भी डाल दूँ, जरा जितना मर्जी डालो। चिकन मैंने थोड़ा ना इस तरह का कर दिया, बड़े बड़े बिल्कुल शेड नहीं किया। इसको मिक्स करेंगे, अब इसमें डालते हैं चावल। चावल वैसे हमारे घर वाले ही हैं, कोई इतने अच्छे वाले नहीं हैं, तो अब इनको मिक्स करती हूँ मैं। चावल भी हमारे सेला चावल यहाँ जो अच्छे होते हैं कर्नल वो नहीं है, आम घर के सादा चावल थे, इसलिए थोड़ा ये इस तरह के हैं, लंबे लंबे नहीं लग रहे। तो अब वैसे तो मैंने फुल बॉयल किए हुए हैं लेकिन मैं बस सिर्फ 10 मिनट का दम देती हूँ। कैसे बने हैं राइस, चाइनीज राइस पहली बार बनाए हैं, पता नहीं कैसे बने हैं। शेज़ कैसे हैं, आपको तो रोज मजा आता है। बताएं, मेरी तो तबीयत खराब हो गई है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों दिल खराब हो रहा है, बीपी लो बहुत, शाम को भी बुखार सा लग रहा था मुझे, अब तो बिल्कुल तबीयत मेरी अचानक से ख़राब हो गई। मैं तो आके लेट गई और एन से कह रही थी कि तुम कैमरा पकड़ के रिव्यू ले लो और एंड आज तुम कर दो, हैं थोड़ी चेंजिंग तो होनी चाहिए ना, तो बस बहुत शर्माती है ये, बहुत शाय है, इसने नहीं किया। चावल कैसे बने हैं, पहली बार बनाए हैं मैंने चाइनीज राइस, अच्छा। अनसब कैसे लगे, अनसब को एक चीज नहीं होगी, अंडे अंडे ले रहा है और मटर निकाल रहा है, कह रहा मम्मा ये आपने क्या कर दिया, मटर को डाल दिए। अनसब मैंने चाइनीज राइस में होते ही ऐसे हैं, देखेंगे कि शिमला मिर्च भी निकाल रहा है, शिमला मिर्च है कि मटर है, मटर मटर बाकी खा रहा है, टमाटर से टमाटर, ये हालांकि हरी प्याज होती है अब हमारे तो है नहीं इस मौसम में। हो रहा है ना, आपको कैसे लगे चावल, बहुत अच्छे लगे, मजे के। चले जी अब मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है, इन्होंने तो जैसे शादी पे खाना खुलता है ना शोर डलता है, ऐसे ही हमारे घर में तो शोर डल गया शादी का खाना खुला। मैं इधर ही वीडियो का ईद हो गई, सुबह दोबारा मिलेंगे यहीं पे, वीडियो एंड करती हूँ। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें न्यू आने वाले, और शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करें। सुबह दोबारा मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।